वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रीत दुबे आपको ले चलता हूं कश्मीरी गेट तिलक गली मार्केट। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता, जिससे कि आप अगर दिल्ली में हैं या दिल्ली विजिट के लिए आए हैं तो आप जाके इस मार्केट में विजिट कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा मार्केट है, बट एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, आप मेरे हिसाब से यहाँ कार लेके न जाएं। आप सबसे अच्छा ऑप्शन है मेट्रो, जिससे कि मैं आपको ये रास्ता दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेट्रो में गाइस, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको एग्जिट करना है गेट नंबर 1 से। यहाँ से आप जब एग्जिट करेंगे गाइस, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट, ये है गेट नंबर वन से आप जब एग्जिट करेंगे तो आफ्टर एग्जिट आपको लेना है लेफ्ट। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट लेते ही आप जब थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आपको लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक डेड पॉइंट मिलेगा, जिसको टी पॉइंट भी बोल सकते हैं। इस टी पॉइंट से गाइस हमें लेना है राइट। सामने आप देख सकते हैं टी पॉइंट दिख रहा है, ये कुछ स्टॉल लगे हुए हैं इधर, कुछ स्पेक्टेकल्स वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप फुटपाथ पे रेडी लगी हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको टी पॉइंट से लेना है राइट। राइट लेते हैं, आपको चलना है लगभग 300 मीटर, जब आपको एक राइट फिर लेना पड़ेगा। आप देखते रहिए, वहाँ पे काफ़ी बैंक वगैरह हैं उस जगह जहाँ से हम राइट लेंगे, और एक इंग्लिश बायन शॉप भी है। ये देखिए, आफ्टर 300 मीटर आपको लेना है राइट। ये देखिए, यहाँ पे बायन शॉप भी है, बहुत सारी बैंक भी हैं। तो यहाँ से राइट लेके फिर हमें चलना है डेड पॉइंट, लास्ट टी पॉइंट तक, जो कि लगभग 400 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। और पूरा राइट में अगर देखेंगे तो आप मार्केट है, लोगों ने लेफ्ट में गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, और बहुत सारे बैंक हैं, एजेंसियाँ हैं बाइक की, और ऑटो पार्ट्स का मैन, ये जो स्क्रू नट बोल्ट रिंग वगैरह वगैरह रहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो रास्ता लंबा, चलिए कुछ और बात भी कर लेते हैं गाइस। देखिए, अगर आपको ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीदना है और आप दिल्ली में, तो दिस इज बेटर ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप प्रॉपर 10-5 हज़ार की एसेसरीज लेने दिल्ली आ रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद करोगे, प्लस आपको जो भी कार शॉप वाला प्रोडक्ट देगा बहुत जल्दी, तो वो आपको अट्रैक्ट करके फाइनल कर देते हैं प्रोडक्ट, ये लो, ये आप ये ले लो, ये ले लो। मतलब आपको जैसे ही प्रोडक्ट दिया, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और फिर आपको सर्विस के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा, या फिर आप कोरियर करते हैं तो वो ज़्यादा मतलब आप पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी विजिटर आते रहते हैं और आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ा इशू है सर्विस का। प्राइस आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कार म्यूजिक हब से बहुत ज़्यादा डाउन प्राइस भी मिल सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं हुई तो बाहर जितनी भी शॉप है आपको ढंग से अच्छे से काटेंगे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी गली दिखाता हूँ जो कि टी पॉइंट से पहले राइट में है, फर्स्ट राइट आप लेंगे डेड पॉइंट से, तो ये है तिलक गली, जो कि लगभग 1 किलोमीटर अंदर ही अंदर पूरा एक जाल की तरह बिछी हुई है। जब मैं पहली बार आया था, मैं ये रास्ता भूल गया था कि मैं एग्जिट कहाँ से करूँ, कहाँ से इस मार्केट से निकल के मैं मेन रोड पे पहुँचूँ। तो ये गाइस बहुत बड़ा मतलब एक सस्पेंसिबल पॉइंट है, कि आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो इन गलियों में अगर भटक गए एक बार, तो आपके 1-2 घंटे तो ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। तो उस समय को बचाने के लिए आप अपने किसी नज़दीकी रिलेटिव फ्रेंड या जो भी आपका जानकार हो इस मार्केट में, उससे संपर्क करें, नहीं तो फिर मैं तो हूँ, मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 9370716014। अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से आते हैं, बिजनेस रिलेटेड शॉपिंग करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ अपनी कार के लिए एक्सेसरीज करना चाहते हैं, तो दिस इज हेल्पलाइन फॉर यू 9370716014। तो ये देखिए, राइट में एक मंदिर भी है इस तिलक गली में, और सबसे अच्छी बात है गाइज, आगे चल के यहाँ एक मस्जिद भी है। ये जो भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है इस तिलक गली में, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि देखिए गाइज, पॉलिटिक्स वगैरह जो भी है इंडिया में, बहुत सारे दंगे वंगे करते हैं, यहाँ पे यार आप देखेंगे ना तो भाई साहब, सरदार जी, मुसलमान, हिंदू,
मतलब सभी धर्म के लोग बैठ के आपस में सौदा करते हैं, स्टीरियो इधर से उधर, अगर उनके पास कस्टमर आ गए तो अरे भाई 5 पीस भेज देना, अरे भाई ये भाई भाई भाई, मतलब यहाँ कुछ कास्टलिज्म टाइप है ही नहीं। बट हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स में घुस गए, सॉरी पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं आपको गली। आप देखिए यहाँ पे पूरा बाजार है, ये देखिए पूरा भरे पड़े हैं सब, पेस्ट ट्यूब ट्यूब सब कुछ एवरीथिंग। ये देखिए राइट में गाइस मस्जिद भी आ गई, अब तो जिक्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चाय वाला बैठता है, बड़ा कातिल चाय बनाता है गाइस मस्जिद के पास। तो यहाँ से आप चाय भी पीजिए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये गली लगभग 1.5-2 किलोमीटर, मतलब आप मेरे हिसाब से एवरेज लगाओगे तो 3 किलोमीटर में ये मार्केट पूरा बसा हुआ है। देखिए आप गली, तब तो पैकिंग चल रही है ऑल ओवर इंडिया, बल्कि मैं तो देखता हूँ कई कई पार्सल ये लोग नेपाल भी भेजते हैं, मैंने भी कई बार मटेरियल भेजा है। तो गाइज ये था आज का मोटिव। आप अगर दिल्ली में हैं तो प्लीज़ आप यहाँ विजिट करें और प्राइस कंपेयर करें, उसके बाद हमें ऑर्डर करें।